Hello viewers, my name is Yash and you are watching Sportex. तो दोस्तों विराट कोहली को लग चुका है 12 लाख का फाइन, जानेंगे कैसे। साथ साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं कैसे गौतम गंभीर ने क्रिटिसाइज किया विराट कोहली को कैप्टनशिप को लेके। साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे क्या सीएसके फैंस के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। साथ साथ दोस्तों हम बात करने वाले कौन हो सकता है बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर मिचेल मार्श। और दोस्तों अपनी मेजर स्टोरी में बात करेंगे क्या है सुनील गावस्कर और अनुष्का शर्मा कॉन्ट्रोवर्सी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। इससे पहले गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं विराट कोहली से और कैसे उन्हें 12 लाख का फाइन लग चुका है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये फाइन इसलिए लगा जस्ट बिकॉज विराट कोहली ने यहाँ पे स्लो ओवर रेट से बॉलिंग करवाई। अब स्लो ओवर रेट से बॉलिंग मेरा मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बॉलर 3 या 4 मिनट से एक ओवर डालने में लेता है तो ऐसे में जो है उसे स्लो ओवर रेट बोला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसके रीजंस इसके पीछे के होते हैं कि अगर कोई कैप्टन आपसे बीच में ओवर्स की बात कर रहा है और ऐसे में बॉलर ज़्यादा टाइम ले लेता है तो ये प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं इसे फॉलो नहीं किया जाता और इसके चलते जो है कैप्टन को फाइन भरना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ विराट कोहली के साथ, अब उन्हें 12 लाख का फाइन भरना पड़ा। दोस्तों इसके साथ बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टोरी में कैसे गौतम गंभीर ने क्रिटिसाइज किया विराट कोहली को। तो सबसे पहले दोस्तों गौतम गंभीर ने शॉट्स लिए मुझे शॉट्स विराट कोहली पर, उन्होंने बोला कैसे शिवम दुबे को बॉलिंग करा के विराट कोहली ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर आपके पास मेजर बॉलर जो स्पेशलिस्ट बॉलर है उनके ओवर बचे तो आप ऐसे में जो है और एक ऑलराउंडर या फिर एक ऐसे बॉलर को बॉलिंग नहीं करा सकते हो जो कि उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसे 20 ओवर डालने का एक्सपीरियंस नहीं था और ऐसे में आपने बहुत बड़ा एक मिस्टेक किया है जस्ट बिकॉज आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स के ओवर्स बचे थे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे उन्होंने शॉट लिया। साथ साथ दोस्तों उन्होंने क्रिटिसाइज किया विराट कोहली को उनकी फील्डिंग को लेके। उन्होंने बताया कि अगर विराट कोहली उस टाइम पे 83-89 पे दोनों कैचेस या एक कैच को ले लेते तो ऐसे में क्या होता, केएल राहुल आउट हो जाते और कहीं ना कहीं आप देखते 30-40 रन कम बनते किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, तो ऐसे में आरसीबी के चांसेस अच्छे होते। तो दोस्तों इसके साथ बात कर ले तो नेक्स्ट स्टोरी में बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है मिचेल मार्श के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सनराइजर्स के खेमे से ये बात निकल के आ रही है कि जो मोस्ट एलिजिबल प्लेयर इस चीज़ के लिए वो है मोहम्मद नाबी, और मोहम्मद नाबी हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट मैच में इन प्लेस फॉर मिचेल मार्श। बट दोस्तों ऐसे में एक और बात निकल के आ रही है कि एक और चीज जो हमें देखने को मिल सकता है वो ये हो कि आप कोई बॉलर को खेलते हुए देख सकते हो और ऐसे में क्या होगा, जो हमारे बैट्समैन साहब थे जो लेटेस्ट जो हमारे सबसे युवा बैट्समैन टीम के वो निकल जाएंगे और उनके जगह पे आप केन विलियमसन को खेलते हुए देख सकते हो। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बट अभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि मोहम्मद नाबी के ज़्यादा चांसेस है कि आप उन्हें खेलते हुए देखोगे। बट यहाँ पे 60-40 के रेशियो में बात करें या तो मोहम्मद नाबी या तो केन विलियमसन आपको खेलते हुए नज़र आ सकती है। तो कुछ इस तरह की अपडेट आ रही है रिगार्डिंग मिचेल मार्श को कौन रिप्लेस कर सकता है। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में और बात कर लेते क्या अच्छी खबर निकल के आ रही है सीएसके फैंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ अच्छी खबर ये है कि कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में धोनी ने ये बात को एडमिट किया कि अंबती रायडू नेक्स्ट मैच में अपनी वापसी कर लेंगे फॉर श्योर। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि डीजी ब्रावो जो है ड्वेन ब्रावो वो भी अपनी नेक्स्ट मैच में आपको वापसी करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएसके के लिए बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ बताया था कैसे जो है रायडू सफ़र कर रहे हैं कोई तरह की बीमारी से, इसके बाद जो है ये लेटेस्ट अपडेट आई है और हम चाह ही रहे थे कि अंबती रायडू खेले जस्ट बिकॉज टीम का बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो देखना दिलचस्प होगा अब क्योंकि सीएसके का मैच जो है वो एक हफ्ते बाद है, तो ऐसे में क्या टीम कॉम्बिनेशन निकलेगी माही की टोली, तो बहुत ही ज़्यादा जानने के लिए हम बिकरार है। तो दोस्तों इस बढ़ते अपनी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी में। नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी में बात कर लेते क्या है सुनील गावस्कर और अनुष्का शर्मा कॉन्ट्रोवर्सी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ लास्ट मैच जब विराट कोहली खेल रहे थे तो एक ऐसा पोजीशन आया था, एक ऐसा स्पॉट आया था जहाँ पे विराट कोहली बॉल को रोकते हैं। तो उसके बाद सुनील गावस्कर मेंशन करते हैं कैसे विराट कोहली लगता से प्रैक्टिस करके आए अनुष्का शर्मा के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ पहले क्या होता है स्टोरी में, ये बात बहुत पुरानी दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा बीच में जिसमें विराट कोहली को अनुष्का शर्मा बॉलिंग डालती हुई नज़र आ रही थी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इसी चीज़ को सुनील गावस्कर ने इस पॉइंट पे मेंशन कर दिया, जिसके बाद जो है फैंस ने मतलब बवाल सा मचा दिया, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा था सुनील गावस्कर को और इस सारी चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करके इंटरनेट पर प्रेजेंट किया गया। जिसके बाद जो है अनुष्का शर्मा ने इसका रिप्लाई देते हुए सबसे पहले तो सुनील गावस्कर को ये बोला कि रिस्पेक्टेड सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बट स्टिल अगर आप मेरे हस्बैंड के पुअर गेम के लिए मुझे हर बार दोषी ठहराओगे तो ये चीज़ कहीं से भी सही नहीं है और आपका मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती तो आपको ये सारी बातें बोलना शोभा नहीं देता है। तो कुछ इस तरह से जो है अनुष्का शर्मा ने यहाँ पे शॉट्स लिए
सुनील गावस्कर पे। बट गाइस इसके बाद जो है सुनील गावस्कर एक चैनल पे आते हैं जहाँ पे वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो बताते हैं उस पूरे सिचुएशन को। और उन्होंने बताया कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला नेगेटिव सेंस में अबाउट विराट कोहली। और उन्होंने बताया कि आप क्लिप दोबारा सुन लो। और गाइस ये बात फैक्ट है कि अगर आप क्लिप दोबारा सुनोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ भी मेजर चीज़ सुनील गावस्कर ने नहीं बोला। उन्होंने बस उस बात को मेंशन किया था, बट उन्होंने इस बात को कहीं मेंशन नहीं किया कि ये वजह है विराट कोहली के पुअर गेम के लिए या फिर उनकी बैटिंग के लिए। तो गाइस कहीं ना कहीं इंटरनेट के चलते पूरा बवाल सा हो गया और कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज अब जो है एक दूसरे पे शॉर्ट्स ले रहे हैं। अब कुछ डेवलपमेंट होगी स्टोरी पे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों यही तक था हमारा ये वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आया। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो और अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं आप सबने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।